जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी में आज 19 छात्र और छात्राएं अपने एक वर्ष के अध्यापन कार्य को पूर्ण करते हुए गुजरात गांधीनगर के लिए सिंगोड़ी से रवाना हुए। विद्यालय के प्राचार्य विद्या शरद जोशी ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, जिसको एहतियात के रूप में विद्यालय के 11 छात्र और 8 छात्राएं जो कक्षा 9वीं में अध्ययनरत हैं और गुजरात के गांधीनगर से माइग्रेशन प्रोविजन करते हेतु एक वर्ष के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर वहां के विद्यालय में अध्यापन करते हैं। ऐसे छात्र छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा तहसील के सिंगोड़ी ग्राम के जवाहर नवोदय विद्यालय में पिछले एक वर्ष से अपना प्रोविजन कोर्स पूरा कर रहे हैं, जो कि समाप्त हो गया है, जिसके चलते आज उन्हें शासन प्रशासन की मदद के साथ कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी से बचाव करते हुए स्लीपर कोच बस में बिठाकर सिंगोड़ी से गुजरात की ओर रवाना किया है, क्योंकि वैसे ही इस संक्रमण बीमारी के चलते संपूर्ण देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। बच्चों के साथ सुरक्षा के साथ साथ सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए समस्त बच्चों के लिए खाने के लिए भोजन, नाश्ता और पीने की पानी की व्यवस्था बस में की गई है। साथ ही पूरे बस को सैनिटाइजर भी किया गया है और समस्त बच्चों को मास्क लगाकर, हाथों को धुलाकर, मुंह पर मास्क लगाकर गाड़ी की सीटों में भी अलग अलग बिठाकर रवाना किया गया। बच्चों ने भी क्रमबद्ध तरीके से खड़े होकर लाइनों के माध्यम से बस के अंदर बैठे स्वास्थ्य के प्रति संपूर्ण ध्यान रखा गया। साथ ही इस बीमारी से बचने के सारे उपाय बच्चों को भी बताए गए और घर पर जाकर भी उन्हें सोशल डिस्टेंस बनाए रखने को कहा आदि भी बात बच्चों को विद्यालय परिवार और प्राचार्य के द्वारा समझाया गया है। इस अवसर पर बच्चों ने भी एक वर्ष के पूरे अध्यापन कार्य के समय को याद करते हुए अपने बीते हुए पलों को भी साझा किया और उत्साहपूर्वक अपने विचारों को खुलकर व्यक्त किया। सभी गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के पश्चात बस में बैठकर हाथों से बाय बाय किया। इस अवसर पर बच्चों को उनके घर तक छोड़ने की सुरक्षित व्यवस्था में विद्यालय के शिक्षक प्रदीप कुमार और शिक्षिका मंदोदरी सेठ को सभी छात्र छात्राओं के साथ रवाना किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी बच्चों को रास्ते में न हो सके। इस प्रकार आज जवाहर नवोदय विद्यालय सिंगोड़ी ने 19 छात्र छात्राएं अपने घर के लिए रवाना किए। बच्चों में खुशी की लहर देखते ही बन रही थी। बच्चों के गुजरात जाते समय विद्यालय के शिक्षक लांजीवार सर सहित संपूर्ण विद्यालय परिवार ने इन बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए बार बार सोशल डिस्टेंसिंग सहित लॉकडाउन समय में घर पर ही रहने की सलाह दी। एनटीवी टाइम के लिए योगेश चौरसिया की रिपोर्ट। गुजरात गांधीनगर जा रहे हैं, एक वर्ष का आपने यहाँ पर माइग्रेशन प्रोविजनल कोर्स किया है, तो वहाँ जाकर आप यहाँ की क्या उपलब्धियाँ बताना चाहेंगे? हम यहाँ अच्छे से, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा इधर। हम जो अच्छा सीख के जा रहे हैं वो सब बताएंगे, जो अच्छे मतलब जो यहाँ अच्छा है और वहाँ मतलब अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर कोई भय या डर है आपके मन में? नहीं, हम अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें डर नहीं लगेगा। जिस प्रकार सारे विश्व में कोरोना को लेकर बहुत भय बना हुआ है, तो क्या आप ऐसा कुछ भय मन में अंदर में है डर कि जिससे कि आप अभी गुजरात तक जा रहे हैं तो आपको ऐसा लगे कि कोई बीमारी फैल ना जाए? नहीं, मुझे इतना डर तो नहीं लग रहा कि हम प्रिकॉशंस लेंगे तो। क्या नाम है ना? और आपको जाना है गुजरात, तो क्या फील महसूस कर रहे हैं आपने जब से कोरोना वायरस का नाम सुना हो? कुछ नहीं सर, अगर अच्छे से प्रिकॉशंस लेंगे तो डरने की कोई बात नहीं है। वैसे तो अब प्रिकॉशंस लेने हैं तो कुछ नहीं होगा, सेफली जाना है। एक स्त्री होने के नाते आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक महिला भी आगे क्या कर सकती है? एक महिला आगे जाके देश को बहुत कुछ दे सकती है, और उसको अपने तरफ से ये नहीं सोचना है कि मैं एक महिला हूँ या मैं कहीं किसी से कम हूँ। कहीं किसी भी क्षेत्र में हमेशा आगे बढ़कर हर क्षेत्र में अपने आप को सामने आगे रखना है और एक प्राउड फील करना है एज अ वुमन। शर्मिंदगी वाली तो कोई बात है ही नहीं, अच्छे से सब कुछ करना है पूरा फॉरम को।